इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए एक 15 नंबर की स्टोरी आएगी। यहाँ पर दी जा रही स्टोरी जो है बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हमने प्रत्येक सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। यह दी हुई स्टोरी जो है परीक्षा में प्रायः पहले कई बार आ चुकी है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। विदाउट होप ह्यूमैन लाइफ इज इम्पॉसिबल। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल व दुखमय हो जाता। इफ होप वाज नॉट देयर लाइफ ऑफ मैन वुड बिकम वेरी वर्डन सम एंड फील्ड विद सारो। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द फुल ईयर ओनली विद द होप दैट दे विल टेस्ट सक्सेस। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। ए फार्मर डज नॉट एट ऑल बॉदर अबाउट हीट एंड कोल्ड। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय कर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। सिमिलरली ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग विद द होप दैट ट्रेडिंग विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देम। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। दैट इज व्हाई द इंटेलिजेंट एंड ग्रेट मैन हैव कॉल्ड होप द सिंबल ऑफ मैनशिप ऑफ हिज जर्नी थ्रू लाइफ। तो यहाँ पर दी हुई स्टोरी जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। हमने इस स्टोरी के जो वाक्य हैं उनको अलग अलग करके उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। आपको परीक्षा में इसको असेंबल करके यानी संयुक्त रूप से बनाना है।